अपने कलीग्स को साथ खड़ा कर रहा हूँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आपको जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आपको चाहते हैं, सम्मान करते हैं, आपको झेलते हैं, उनकी बहुत ज़रूरत महसूस होती है। तो मैं 61 साल कंप्लीट करके 62वें साल में प्रवेश करूँगा। तो ऐसे मौके के ऊपर जाहिर है कि मैं चाहता हूँ कि वे ये परिवार जो 92.7 बिग FM है, मैं लगातार यहाँ से ये चौथा साल है इनसे जुड़ा हूँ, बल्कि अभी 3 महीने बाद हम लोगों को 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ये यंगस्टर्स इतना प्यार, इतना सम्मान, और इस उम्र के अंदर क्या चाहिए आपको? मुझे लगता है इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आज की नई जनरेशन आपको सम्मान देती है और प्रेम करती है, और आप जब आते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस एज ग्रुप का आदमी आता है तो लोग, जवान लोग थोड़ा छिटक जाते हैं, अंकल आ गए यार। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मुझसे, मैं जब उनसे बात करता हूँ तो पूरा प्यार है, रिस्पेक्ट है, और मैं भी ये ख्याल रखता हूँ कि इन लोगों की जवानी को मैं डिस्टर्ब ना करूँ। वो भी अंकल को भी ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो जाए। सो मैं एक बात हमेशा दोहराता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, शोज में बताता हूँ जहाँ हर एज ग्रुप के लोग बैठे होते हैं, कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को ये महात्मा जो टाइटल दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर को पूरा हिंदुस्तान गुरुदेव बुलाता था। तो एक बार की बात है कि शांति निकेतन में गांधी जी भी आए हुए थे, और शाम का समय था, तो गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर के शैले या जो कॉटेज है वहाँ, उसके बाहर पहुँचे और रविंद्रनाथ टैगोर से कहा कि आइए गुरुदेव, अच्छा मौसम है, चलिए घूम के आते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि महात्मा जी, एक 5 मिनट मुझे दे दीजिए, आप 5 मिनट मुझे दे दीजिए। और ये कहकर रविंद्रनाथ टैगोर अंदर चले गए। 5 से 10 मिनट हो गए, 10 से 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, बाहर ही नहीं निकले। इधर महात्मा गांधी का पेशेंस चुक गया, धैर्य चुक गया। उन्होंने कहा, यार 5 मिनट का बोल के गए थे, 25-30 मिनट हो गए, माजरा क्या है? कि माजरा क्या है ये जानने के लिए जब कॉटेज के अंदर पहुंचे तो गांधी जी ने एक नजारा देखा कि एक आदमकद शीशे के सामने रविंद्रनाथ टैगोर खड़े हुए हैं और बहुत संभाल के अपनी दाढ़ी के बालों को सजा रहे हैं, सवार रहे हैं, बालों में कंघी कर रहे हैं, ड्रेस को बार बार देख रहे हैं, अपने आप को निहार रहे हैं आईने के सामने। ये सब सजना सवरना देख के गांधी जी विचलित हो गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, ये 16 सिंगार इस उम्र में? तो जो जवाब था रविंद्रनाथ टैगोर का, वो बहुत अद्भुत है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा, प्रश्न क्या उन्होंने किया था कि गुरुदेव, इस उम्र में ये सब सजना धजना? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पलट के जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि महात्मा जी, जब तक जवानी थी तब तक चल जाता था, परंतु वृद्धावस्था में मैं किसी को बुरा लगूं, ये बहुत बड़ी हिंसा का कारण होगा। सो हम सब लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सीख है कि हम जब उस उम्र के पड़ाव पे पहुंचने लगे, सबसे पहली बात, इसे स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लोगे बहुत आसान हो जाएगा, स्वीकार नहीं करोगे ब्लॉकेज निकलते रहेंगे, आसान हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि स्वीकार कर लो कि आप किस एज ग्रुप में, और ये भी स्वीकार कर लो कि ये सब जो यंगस्टर्स खड़े हुए हैं, इनकी ऊर्जा, इनकी सोच, इनकी साइकी, इनका चित्त बिल्कुल अलग है। इनके ऊपर कभी बोझ मत बन जाए। ये तो आप जब आओ तो पूरे जोश के साथ, प्रेम के साथ आपको गले लगाने कि बुढ़ा आया यार, अच्छा लगता है इसके साथ। मैं इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ। जितने भी साल मैं हूँ आप लोगों के साथ, ऐसा ही प्रेम मुझे मिलता रहेगा, ऐसे ही दुलार सवार करते रहोगे। अभी तक तो तबीयत खराब नहीं हुई, लेकिन कभी सवार, मान लो तबीयत खराब हो गई तो ये पहुंचा भी देंगे। ये निश्चिंत हूँ, मैं बहुत निश्चिंत हूँ, बहुत कंटेंटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर इतने अच्छे लोग मुझे मिले। इन सब लोगों के साथ जुड़ के मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। इट्स ऑनर फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। हमारी ये प्रोड्यूसर है, ये अर्पिता। अर्पिता अभी जल्दी ही
एक नया मेहमान आएगा, ये यहाँ हमारे कुणाल बाबू हैं, ये मनीष हैं, ये उज्जवल हैं, आप अतुल जी हैं, इधर आप देख रहे हैं राजश्री हैं, ये निशा हैं, ये उषा जी हैं और हमारे पूरी भाई, इनसे रोज मिलना होता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग करने काम करने यहाँ पर आ रहा हूँ, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इन लोगों के साथ बातचीत में इतना उलझ जाता हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं करता। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहना यार, जिंदगी के जो भी जितने भी बचे खुचे दिन बचे हैं, आप सब लोगों का जेन्युइनली प्यार मिलता रहे, और क्या चाहिए, व्हाट एल्स यू वांट, नथिंग। अब जवानी तो गई, अब तो बुढ़ापे का एंड आने वाला, सो बी रेडी। अरे इन सबसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, इनकी इनके पास जो एनर्जी है उसकी एनर्जी 25% मिलती रहे, पास ऑन करते रहना, तो सुहाना सफर विद अनु कपूर 10 साल और चल जाएगा। इससे पहले कि केक हम यहाँ पर लाए बर्थडे सेलिब्रेशन का, जॉली एलएलबी 2 को जो रिस्पांस मिल रहा है,